कौन सी स्पेशल बिरयानी कौन सी है? स्पेशल बिरयानी वो ऐसी है ना, ऐसी जबरदस्त, यानी मसालेदार है, दाल है, जिदार चबदार है, विदार है, विदार है, जिदार चबदार है, विदार। तुम खवातीन हजरात, मैं हूं आपका मेज़बान मुज़म्मिल सिराज खान और आप सबको खुशामदीद है हमारे चैनल टेस्ट ऑफ फूड। कभी गुजरावाला का फूड टूर एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग अपने मकामी इलाके पिंडी इस्लामाबाद में वापस आ चुके हैं और गुजरावाला में बेशक ही टेस्ट कुछ ज़्यादा ही अच्छा था, लेकिन पिंडी इस्लामाबाद का मौसम आप देख सकते हैं कि यहाँ का मौसम हमेशा ही खुशगवार और अच्छा रहता है। तो अभी आज की वीडियो थोड़ी हम यूनिक बनाने आए हैं। आज की वीडियो बेसिकली होगी पुलाव वर्सेस बिरयानी। मैं बेसिकली पुलाव का ज़्यादा शौकीन हूँ, लेकिन बिरयानी को अगर मैं पाकिस्तान की नेशनल डिश कह दूँ तो ये मैं कुछ गलत नहीं कह रहा, क्योंकि पाकिस्तान में आपको हर दूसरा बंदा चाय और बिरयानी का शौकीन मिलेगा ही मिलेगा। तो आज हम और ये रेटिंग हम अपने एक्सपीरियंस में नहीं करने वाले, ये रेटिंग हम करने वाले हैं गूगल रेटिंग के हिसाब से। मतलब गूगल रेटिंग में जो सबसे अच्छा इस्लामाबाद का पुलाव होगा और जो सबसे अच्छी इस्लामाबाद की बिरयानी होगी, उन दोनों का कंपैरिजन करके हम आपको बताएंगे कि पुलाव अच्छा है या बिरयानी अच्छी है। गाइज अभी हम अपनी पहली लोकेशन जनान फूड पे पहुंच चुके हैं और इनका बीफ पुलाव ट्राई करने आए हैं और गूगल रेटिंग के हिसाब से इनकी 4.5 रेटिंग है और ये रेटिंग 5-10 रिव्यूज़ पे मैं आपको नहीं बता रहा, ये 100 प्लस रिव्यूज़ पे ये रेटिंग मैं आपको बता रहा हूँ। और इनका पुलाव बहुत ही मशहूर है, अभी जानते हैं, देखते हैं इनका पुलाव कैसा है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? खालिद जी भैया। ओहो हो, चेक करें ये बीफ पुलाव है। और ये कितना पुलाव की कितनी देगा, ये कितने चावल होते हैं इसमें और कितना पुलाव? इसमें 25 किलो चावल होते हैं, 25 किलो गोश्त होते हैं। 25 किलो चावल है और 50 किलो गोश्त है। 50 किलो गोश्त और 50 किलो चावल, 25 किलो चावल हैं। और ये नली वगैरह भी डाली हुई है? मेरे प्लेट में डाल दें, प्लेट में नहीं डाल दें। चेक करें, ये चेक करें, ये अभी नली चेक करें आप लोग, जायंट नली पूरी चेक करें आप। माशाल्लाह बीफ पुलाव है। और ये कितनी देर में खाली हो गई है अब? ये दो घंटे चेक कर लें, ये तकरीबन घंटे, दो घंटे में ये देखें आधी से ज़्यादा ख़त्म हो चुकी है। और इसके अलावा कितनी देखें लाते हैं आप लोग? 8-10-12 रोज़ाना की जाती है। और चेक करें ये सिटिंग एरिया है इनका, ये 14 अगस्त के लिए डेकोरेट हुआ हुआ है, बड़ा ही प्यारा सिटिंग एरिया है। और यहाँ पे बहुत ही मज़े की आपको ऑफ़र लगी हुई है कि 50% डिस्काउंट है, जो 1000 रुपये का मिल रहा था आपको वो 500 रुपये का यहाँ पे मिल रही है। बड़ी जो इनका प्लेटर है लग रहा है यहाँ पे भाई, चेक करें कारीगर भाई हैं हमारे। चेक करें भाई, चेक करें, टैलेंट चेक करें भाई का। और क्वालिटी और टेक्सचर आप देखें ना पुलाव का, तो काफ़ी मज़े का इसका टेक्सचर और कलर वगैरह आप देखें। तो ये हमने ले लिया, ये चेक करें कि ये 250 रुपये के लिए हैं, 500 रुपये आधा किलो है इनका। ये जनान फूड पे ये सेल लगी हुई है, 20 अगस्त तक आपको मिलेंगे, ठीक है। जो 1000 रुपये किलो था वो 500 रुपये किलो हो गया अभी इनका। और माशाल्लाह से इनकी लुक वाइज तो बड़ी अच्छी क्वालिटी लग रही है। और टेक्सचर देखें आप, चावलों से ज़्यादा बोटियाँ हैं यहाँ पे। चेक करें आप, ये देखें बीफ लुक वाइज तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप टेस्ट करके आपको बताते हैं, क्योंकि मैं अगर बताऊँ तो मैं पुलाव का ज़्यादा बड़ा फ़ैन हूँ एज़ कम्पेयर टू बिरयानी। तो इसका टेस्ट यार, टेस्ट बड़े मज़े का है इसका। अगर आपको मैं बताऊँ ना, तो इसमें जो मसाले, ये बेसिकली पुलाव और बिरयानी में डिफरेंस ये होता है कि जो पुलाव होता है वो अब्जॉर्प्शन मेथड से बनते हैं। मतलब कि इसमें एक प्याला अगर आप चावलों का ले रहे हो तो दो पानी के लोगे, और इसमें दूसरी बात ये होती है कि इसमें लेयर्स नहीं होती, बिरयानी में लेयर्स बनती हैं। तो इनका जो रेटिंग 4.5 थी ना गूगल से, अगर मैं अपने हिसाब से इसको रेटिंग दूं तो ये डिज़र्व करता है 4.5, बल्कि मैं ऊपर दूंगा इसको, इसकी रेटिंग ज़्यादा होनी चाहिए। चेक करें बोटी की क्वालिटी आप लोग, चेक करें कि बिल्कुल चेक करें, रेजा रेजा हाथ लगाने से रेजा रेजा हो रही है बिल्कुल, मतलब कि पकी हुई बोटी है, कोई कच्ची नहीं है। ये चेक करें आप लोग,
बड़ी मज़े की क्वालिटी है इसकी और क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है बीफ की। अगर मैं आपको बताऊँ ना तो पुलाव इन्होंने 25 किलो चावल हैं और 50 किलो बीच में गोश्त डाला हुआ, आपको नज़र भी आ रहा होगा कि ये बीफ ही बीफ है ऊपर। तो हेलो गाइस, अभी हम लोग अपनी दूसरी लोकेशन पर मौजूद हैं। आप लोग हमारे पीछे देख सकते हैं कि हम अल करंदरी बिरयानी पर आए हुए हैं और यहाँ की बिरयानी पहले हमने ट्राई की हुई है लेकिन इसके रिव्यूज़ गूगल के मैंने अकॉर्डिंग देखे हैं तो इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं और काफ़ी पॉजिटिव रेटिंग है इनकी। तो अभी हम लोग ट्राई करते हैं इनकी बिरयानी का और ट्राई करके आप लोग बताते हैं कि बिरयानी अच्छी है या पुलाव आप लोग देख चुके होंगे वो हमने ट्राई की है। नाम है वालेकुम सलाम जी, नुसरत नाम है मेरा। कौन कौन सी बिरयानी मिलती है? बिरयानी हमारे पास जो है ना आलू बिरयानी, चिकन बिरयानी, सादा बिरयानी, डबल बिरयानी, स्पेशल बिरयानी, वन पीस, टू बिरयानी, टू पीस, वन बिरयानी, बिस्मिल्लाह। चेक कर सकते हैं आप बिरयानी की। और कौन सी स्पेशल बिरयानी कौन सी है? स्पेशल बिरयानी वो ऐसी है ऐसी ज़बरदस्त, यानी मसालेदार, दानेदार, लचीदार, चपलीदार, तबीदार, तबीदार, लचीदार, चपलीदार, तबीदार। चेक कर सकते हैं आप लोग पहले भाई का पता है। चेक करें बिरयानी की कितनी किस्में आप लोगों को बता दी हैं भाई ने। अपने कौन कौन सी मिल जाती है? लीटर डेढ़ सवा दो ढाई कहाँ शीशा लोहा प्लास्टिक। अच्छा शीशा लोहा प्लास्टिक मिल गया। चेक करें अभी ये कलंदरी बिरयानी पे हम लोग मौजूद हैं, ये चिकन के पीसेज इनके, चेक कर लें आप लोग। चेक करें अभी ये पार्सल वाला काम ज़्यादा चला हुआ है। चेक करें ये इनकी, चेक करें बिरयानी है। नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सैयद। मोहम्मद सैयद, और ये कितने चावल वगैरह होते हैं? ये 6 किलो का पतीला होता है। अच्छा, इसमें 6 किलो चावल होते हैं, 6 किलो चिकन होता है। 6 किलो चावल और 6 किलो चिकन होता है इसमें, ठीक है। और कब से काम कर रहे हैं आप यहाँ पे? तकरीबन 5 साल हो गए। और कितने ही आप पतीले निकाल जाते हैं? 20-25 पतीले निकल जाते हैं। ये चेक करें 20-25 पतीले दिन के निकालते हैं ये लोग। ये है कराची कलंदरी बिरयानी, तो काफ़ी माशाल्लाह से अच्छे रिव्यू थे। और इनकी अभी ये चेक करें बिल्कुल न्यू बन के आई है। और बिरयानी की खासियत एक ये भी होती है, पुलाव से डिफरेंट ये लेयर्स में बनती है। आप लोगों को एक प्रॉपर लेयर्स नज़र आ रही होंगी, वाइट चावल, नीचे चावल, आलू और ये चिकन एंड पे डाले हुए हैं यहाँ पे। चेक करें अभी हम लोगों ने बिरयानी ले ली है, ये सिंगल प्लेट है इनकी बिरयानी। और चेक कर सकते हैं लुक वाइज बहुत अच्छी है बिरयानी। और ये लेग पीस भी आप लोग चेक कर लें, चिकन भी अच्छा है इनका भी, काफ़ी अच्छा है चिकन। अभी ट्राई करके आपको बताते हैं, आप एक प्रॉपर सी वाइट बनाए। टेस्ट काफ़ी मज़े का है यार इसका भी। बिरयानी के जो स्पाइसेस हैं ना वो एक अलग-अलग करते हैं पुलाव टेस्ट को, क्योंकि इसमें स्पाइसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, पुलाव में कम होते हैं। और दूसरा इसमें मज़े की बात कि इसमें ना लेयर वाइज बनता है, आपको मैंने वीडियो में पीछे दिखाया है कि कैसे लेयर्स बनी होती हैं इसकी। तो क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है, जो गूगल रेटिंग है तो अगर उसको देखा जाए तो उस हिसाब से ही है, ठीक दी हुई है गूगल रेटिंग। कभी इनका जो पिछली बार हमने टेस्ट किया था तो एवरेज था, लेकिन इस बार दोबारा इनका टेस्ट काफ़ी अच्छा है। तो भाई रिकमेंडेड है ये भी आपको। और बाकी आप लोग वीडियो के कमेंट्स में बताएं कि आप लोग किस चीज़ के फ़ैन हैं, आप लोग बिरयानी के फ़ैन हैं या पुलाव के फ़ैन हैं, नीचे हमें कॉमेंट्स में बताएँ।